दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको कंपैरिजन देखने को मिलने वाली है नॉइस एक्सपी स्मार्ट वॉच वर्सेस डीजे वॉच 2 एंड बोट वॉच एक्सटेंड। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों स्मार्ट वॉचेज जो हैं सेम प्राइस कैटेगरी की स्मार्ट वॉचेज हैं एंड जो जस्ट लॉन्च हुई है नॉइस एक्सपी उसको जो है काफ़ी अच्छा टक्कर देने वाली स्मार्ट वॉचेज हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करके कि क्या एक्चुअल में कौन सी स्मार्ट वॉच में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं या फिर कौन से स्मार्ट वॉच ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहती है। तो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो में तक बने रहना। चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है आपसे बिल्कुल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस तीनों ही स्मार्ट वॉच के सभी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करने के बाद मुझे गाइस जो डिफरेंसेस देखने को मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या इन तीनों ही स्मार्ट वॉच के बीच में डिफरेंसेस हैं एंड कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस नॉइस एक्सपी वर्सेस डीजे वॉच 2, देखते हैं कि इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में क्या खास है जो इन दोनों को अलग करता है एक दूसरे से। सबसे पहले बात करते हैं गाइस नॉइस एक्सपी की इसमें क्या डिफरेंस है जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा डीजे वॉच 2 में। तो गाइस सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसके डिस्प्ले में, आपको 1.52 इंच की जो है IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका रेजोल्यूशन है 360x400 पिक्सल। तो डीजे वॉच 2 के डिस्प्ले से काफ़ी जो है अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको IPS पैनल देखने को मिलता है जिसकी वजह से कलर काफ़ी अच्छे पंजी कलर आपको देखने को मिलते हैं डिस्प्ले पर, जो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी हाई है। तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है नॉइस एक्सपी स्मार्ट वॉच में, कंपेयर करते हैं आप जो है डीजे वॉच 2 की डिस्प्ले से। इसके अलावा गाइस ये स्मार्ट वॉच जो है काफ़ी लाइट वेट है एंड इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लिम है, जस्ट 9mm का है। इसके अलावा गाइस आपको इसमें क्विक रिप्लाई फीचर देखने को मिल जाता है, आप अपने कॉलर को रिप्लाई कर सकते हैं कॉल को रिजेक्ट करते समय। तो गाइस ये कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे नॉइस एक्सपी में। वहीं बात करें डीजे वॉच 2 में कौन से फीचर हैं जिनकी वजह से ये स्मार्ट वॉच जो है नॉइस एक्सपी से अलग बनती है या फिर अच्छी बनती है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी आपको डीजे वॉच 2 में 1.69 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसकी ब्राइटनेस है 600 nits। तो काफ़ी जो है आपको ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी 260mAh की कंपेयर टू 210mAh इन नॉइस एक्सपी। तो आपको जो है बैटरी का साइज़ बड़ा देखने को मिलेगा, हालांकि दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस हैं 10 डेज का बैकअप क्लेम करती हैं। तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है कि बैटरी बैकअप आपको किस में अच्छा मिलेगा। वैसे डीजे वॉच 2 में काफ़ी अच्छा बैकअप मुझे देखने को मिल जाता था, 6 से 7 दिन इजीली बैकअप आपको देखने को मिल जाता है इसमें। इसके अलावा आपको एक और मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, डीजे वॉच 2 जो है 5 ATM बॉडी के साथ आती है, इसका मतलब है स्विम कर सकते हैं आप स्मार्ट वॉच को पहन के। तो स्विम करने वालों के लिए स्मार्ट वॉच ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। इसके अलावा गाइस जो डीजे वॉच 2 की बिल्ट है वो मेटेलिक बिल्ट है कंपेयर टू पॉलीकार्बोनेट बिल्ट ऑफ नॉइस एक्सपी स्मार्ट वॉच। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी जो है डीजे वॉच 2 जो है ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाली है। इसके अलावा गाइस डीजे वॉच 2 का जो प्राइस है वो स्लाइटली चीपर है कंपेयर टू नॉइस एक्सपी स्मार्ट वॉच। इसको 3000 के आसपास जो है नॉइस एक्सपी को लॉन्च किया गया है, वहीं जो डीजे वॉच 2 थी जस्ट 1999 के प्राइस पर लॉन्च हुई थी एंड बाद में इसका प्राइस 2299 हो गया था एंड कभी ये 2499 एंड कभी 2999 के प्राइस पे भी मिलता है। तो आप जो है एक बार कंपेयर कर सकते हैं जब स्मार्ट वॉच को बाय करेंगे कि एक्चुअल में उस टाइम पे प्राइस क्या है। तो गाइज ये डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में एंड डीजे वॉच 2 की जो स्पेसिफिकेशन से जो फीचरिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारी पड़ती है। एक्चुअल में दोनों में से कौन सी बाय करना चाहिए आगे मैं बात करूंगा, उससे पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको बोट एक्सटेंड के साथ। गाइस नॉइस एक्सपी में सेम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे जो कि डीजे वॉच 2 के कंपैरिजन में देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, जस्ट लाइक IPS डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, स्लिम बॉडी है गाइस नॉइस एक्सपी की कंपेयर टू बोट वॉच एक्सटेंड एंड जो उसके वेट है वो भी काफ़ी जो है लाइट वेट है, जस्ट 30g कंपेयर टू 55g वेट ऑफ बोट वॉच एक्सटेंड। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस आपको जो है क्विक रिप्लाई का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि मिसिंग है बोट वॉच एक्सटेंड में। वहीं बात करें गाइस अगर हम बोट वॉच एक्सटेंड की इसमें क्या देखने को मिलता है, तो सेम गाइस में आपको जो है स्लाइटली बिगर डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1.69 inches का, बट जो रेजोल्यूशन है गाइस इसका काफ़ी जो है कम है 240x240 pixels का है, तो उतनी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा गाइस आपको जो है बिगर बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी बोट वॉच एक्सटेंड में, बट गाइस बैटरी को लेके काफ़ी ज़्यादा शिकायतें रही है यूज़र की, एक बार रिव्यू आप जरूर चेक कीजिएगा। मुझे भी स्लाइटली फील हुआ था कि बैटरी जो है कम चलती है बोट वॉच एक्सटेंड की। इसके अलावा गाइस बोट वॉच एक्सटेंड में भी जो है आपको 5 ATM बॉडी देखने को मिलेगी, इसका मतलब है आप 50 मीटर के गहरे पानी में स्मार्ट वॉच को लेके जा सकते हैं एंड जो है
आप स्विम भी कर पाएंगे स्मार्ट वॉच को पहन के। इसके अलावा गाइज आपको जो है बोट वॉच एक्सचेंज में बिल्ट इन एलेक्सा का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये जो है डिफरेंसेस हैं इन तीनों ही स्मार्ट वॉच के बीच में। दोस्तों बात करें कि इन तीनों ही स्मार्ट वॉच में से कौन से स्मार्ट वॉच को हमें बाय करना चाहिए। तो गाइज डीजो वॉच 2 वर्सेस नॉइस एक्सफिट की बात करें तो गाइज डीजो वॉच 2 में कई चीज़ें जो हमें अच्छी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें मेटेलिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, गाइज की स्क्रीन साइज भी बड़ी है, ब्राइटनेस ज़्यादा है एंड जो इसकी बैटरी की कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बैटरी ओवरऑल काफ़ी अच्छी चल जाती है। बट अगर बात करें कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो आपको नॉइस एक्सफिट में देखने को मिल जाता है, तो गाइस नॉइस एक्सफिट में आपको कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक जो है प्राइमरी चीज़ होती है किसी भी डिस्प्ले वाले डिवाइस की। तो उस चीज़ को अगर नज़र में रखें तो आपको जो नॉइस एक्सफिट में ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। वहीं गाइस जो आपकी एक्टिविटी ट्रैकिंग है डीजो वॉच 2 में जो है उतना रिलायबल नहीं है, कभी डाटा जो है सही कैप्चर करता है, कभी जो है उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। वहीं गाइस जो नॉइस एक्सफिट है एक फिटनेस ट्रैकर के रूप में जो है लॉन्च किया गया है, नॉइस एक्सफिट जो है HRX ब्रांडिंग के साथ कोलैब करके जो है सामने आई है एंड इसकी जो एक्टिविटी ट्रैकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैंने कई सारे जो है वीडियोज़ भी देखे हैं, कई सारे लोग रिव्यूज़ भी देखे हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आया है। तो उसको देखते हुए जो है एक्टिविटी ट्रैकिंग जो है काफ़ी अच्छी मिलती है आपको नॉइस एक्सफिट में, प्लस कमाल का डिस्प्ले है। तो इन दोनों ही डिवाइसेस में से अगर कोई चूज़ करना हो तो मैं चूज़ करूँगा गाइज नॉइस एक्सफिट को, क्योंकि अगर फिटनेस आपकी प्रायोरिटी है तो नॉइस एक्सफिट बेस्ट रहने वाला है, बाकी आपको डिस्प्ले क्वालिटी तो अच्छी देखने को मिल ही जाती है। वहीं गाइज बात करें अगर हम बोट एक्सटेंड की तो बोट एक्सटेंड भी काफ़ी अच्छी डिवाइस रही है, बट आपको उतना अच्छा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। एक जो है बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर जो आपको अलग देखने को मिल जाएगा, बट जो है इसकी भी एक्यूरेसी उतनी जो है एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है एंड जो है लॉन्ग टर्म में जो है कभी कभी डेटा इसका भी जो है मिस आउट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं देती है ये स्मार्ट वॉच। बट वहीं नॉइस एक्सफिट में अगेन आपको अच्छा डिस्प्ले IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एक्टिविटी ट्रैकिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड गाइस प्राइस इन दोनों का ही सिमिलर है, तो नॉइस एक्सफिट लेना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो अगर बात करें ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच की इन तीनों ही स्मार्ट वॉच में से, तो मुझे लगता है नॉइस एक्सफिट जो है काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच साबित हो सकती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कोई भी सवाल या सुझाव है इन स्मार्ट वॉच को लेकर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।